सोनी ने भेजा मुझे ये नया ZV-E1 कैमरा एंड सोनी दावा कर रहा है कि ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फुल फ्रेम व्लॉगिंग कैमरा है, पर इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है। तो ये है रितेश का रूम और यहाँ पर अपनी YouTube वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है अपने सेटअप पे। और यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर, मेरे को एक पार्ट यार, अरे थोड़ा सा पार्ट यार, क्योंकि टाइम है यार। और ये फुल फ्रेम भी है, लगभग उसी के जितना कॉम्पैक्ट है, तो मुझे तो यार सही लगा ये कैमरा। अच्छा तो भाई तूने तो बहुत यूज कर लिया इसको, 4-5 महीने से यूज कर रहा था, तो तेरे को क्या क्या अच्छा लगा इसमें बताना। इसमें यार इतनी सी बॉडी में फुल फ्रेम 12.1 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर है इसमें, जो 4K 120fps तक शूट कर सकता है लेटेस्ट अपडेट के बाद। एंड इसका ये सेंसर सोनी के A7S3 लेवल का है। इसमें भी वही सेम लो लाइट कैपेबिलिटीज मिलती है, ISO रेंज 80 से लेके 1,24,000 तक जाती है, जिसको एक्सपेंड करके 4,96,000 तक भी लेके जा सकते हैं। एंड मैंने पर्सनली इसको बहुत सारे लो लाइट सिनेरियोज में यूज किया है। लो लाइट शॉट्स इसमें बहुत ब्यूटीफुल आते हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमल नॉइस के साथ। तो क्या कह रहा था? इसमें ना फुल फ्रेम सेंसर होने के साथ साथ मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आई डोंट थिंक कि किसी और कैमरे होंगे, जैसे कि ये बोके स्विच का बटन मिलता है इसमें, जिससे ना वन क्लिक में बैकग्राउंड को फोकस एंड डीफोकस कर लेता है। जैसे मान लो व्लॉग करते हो, आपको बैकग्राउंड में कोई लोकेशन दिखानी है या फिर बहुत सारे लोग हैं बैकग्राउंड में एंड आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में से कुछ भी ब्लर ना हो, तो इस बटन को प्रेस करके आप बैकग्राउंड को डीफोकस कर सकते हो, फिर सब कुछ फोकस में दिखेगा। बेसिकली ये ना इंटेलिजेंटली लेंस के अपर्चर को कम करके ISO एंड शटर स्पीड को ना ऐसे एडजस्ट कर देता है कि फ्रेम में लाइटिंग भी चेंज हो एंड फोकस भी वाइड रहे। और हां इसमें सॉफ्ट स्किन वाले इफेक्ट भी तो है, जिससे ना रियल टाइम में ही इन कैमरा ही आपकी वीडियो में स्किन को स्मूथ कर देता है, फेस पे से छोटे छोटे ब्लेमिशेस एंड रिंकल्स को ना रिमूव कर देता है, एंड आईज के आसपास थोड़ी सी क्लैरिटी को ऐड कर देता है। ऑल्सो स्किन टोन्स को ना बहुत ही परफेक्टली समझता है एंड ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में एकदम नेचुरल स्किन टोन्स को कैप्चर कर लेता है। हां तो मैं ये कह रहा था कि इसमें सॉफ्ट स्किन के अलावा सिनेमैटिक कलर्स भी आते हैं, क्योंकि ये एस सिनेटोन पिक्चर प्रोफाइल के साथ आता है, जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और इन कैमरा में काफी सिनेमैटिक कलर्स मिल जाते हैं। बाकी इसमें अलग अलग मूड्स एंड लुक्स मिल जाती हैं, जिनका कॉम्बिनेशन बना के तुम अपने सीन के हिसाब से एकदम सिनेमैटिक मूवी लाइक कलर्स को अचीव कर सकते हो। जैसे ये शॉट्स देखो, मैंने इनको अलग अलग मूड्स एंड लुक्स के कॉम्बिनेशन में शूट किया है एंड कलर्स कितने सिनेमैटिक लग रहे हैं। बेसिकली एक तरीके से तुम खुद अपनी वीडियो के लिए फिल्टर्स को तैयार कर सकते हो। और क्या अच्छा लगा था इसमें? मैं कह रहा था कि इसमें गिम्बल की भी जरूरत नहीं पड़ती इसके साथ, क्योंकि इसमें वो डायनामिक एक्टिव मोड स्टेबलाइजेशन आता है, जिससे आपके वॉकिंग शॉट्स एकदम स्मूथ आएंगे, क्योंकि सारे माइनर शेक्स को ये ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देगा। इसमें 5 एक्सिस का इन बॉडी स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिससे अगर व्लॉग में कभी कोई बी रोल लेना हो या फिर कोई मूविंग शॉट कैप्चर करना हो तो वो एकदम स्मूथली हो जाता है, हर जगह गिम्बल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ लेकिन इसमें मेरा फेवरेट AI बेस्ड ऑटो फ्रेम वाला फीचर, जो AI का यूज करके सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है, फिर फ्रेम को क्रॉप करके सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। इससे होता है कि आपने चाहे कैमरा कहीं स्टिल ट्राइपॉड पर रखा हो, लेकिन फिर भी अपने फ्रेम में अगर आप कहीं भी मूव करोगे तो कैमरा आपको ट्रैक कर लेगा एंड हमेशा आपको सेंटर में रखेगा। अरे हाँ, मैं वो कैसे भूल गया, इसमें वो प्रोडक्ट शोकेस वाला ऑप्शन भी, प्रोडक्ट शोकेस वाला ऑप्शन है इसमें, जिसको इस डिलीट बटन से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड इसको ऑन करके ना, जैसे हमें कभी कभी कैमरा के आगे ऐसे प्रोडक्ट दिखाना होता है, तो ये उसको इजीली फोकस कर लेगा, एकदम स्मूथली प्रोडक्ट पे फोकस स्विच कर लेता है एंड जब आप इसको हटाओगे तो वापस आपके फेस पे फोकस कर लेता है। मतलब वीडियो शूट करते टाइम ना आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट पे फोकस हो भी रहा या फिर नहीं। इसके अलावा भी मैंने इस कैमरा से ना बहुत सारी वीडियोस YouTube एंड Instagram पे शूट करके पोस्ट की एंड रिसेंटली मैंने ऑटोमेटिक स्टार्ट किया टिप्स पे, उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने पूरा इसी कैमरा से शूट किया था। सो बेसिकली डे टू डे लाइफ में ये कैमरा मेरे बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है एंड इसको मैं ऑलमोस्ट हर जगह ले जाता हूं एंड हर जगह कुछ ना कुछ शूट कर लेता हूं इससे। इसके अलावा ना मुझे इसमें एक और चीज बहुत अच्छी लगी एंड वो है क्लियर जूम। देखो आपके पास ना चाहे फिक्स फोकल लेंथ वाला ही लेंस हो, एक जैसे 50mm, लेकिन फिर भी इस बटन से आप फ्रेम को 2x तक ऑप्टिकली जूम कर सकते हो एंड 4x तक डिजिटली। तो जैसे मान लो आप वीडियो शूट कर रहे हो एंड आपको दूर को जूम करके दिखाना है, तो आपको बार बार लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट ये बटन दबाना है एंड आपका फ्रेम जूम हो जाएगा। भाई मैं बोल लूं कुछ? इसमें ना मुझे इसका इनबिल्ट माइक, इंटेलिजेंट 3 कैप्सूल माइक, जो हर डायरेक्शन से ऑडियो कैप्चर कर लेता है। अब देखो जैसे मैं फोन से व्लॉग कर रहा हूँ तो ये सिर्फ फ्रंट से ऑडियो कैप्चर कर रहा है, लेकिन ZV-E1 का ये 3 कैप्सूल माइक 3 डायरेक्शन से ऑडियो कैप्चर कर सकता है, फ्रंट, बैक एंड 360। जैसे ये देखो, मैं कैमरा के पीछे से यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बोल सकता हूँ, या फिर कैमरा के सामने व्लॉग कर सकता हूँ, या फिर वाइड पूरे नेचर का एम्बियंस कैप्चर कर सकता हूँ इसके इनबिल्ट माइक से। रहने दे यार, तू मुझसे पूछ ही क्यों रहा है जब मैं कुछ बोलने नहीं दे रहा। सॉरी भाई, सॉरी, चल चल छोड़ ना भाई, इसमें कुछ तो कमी होगी ना, कुछ तो कमी बता इसमें, तेरे को कुछ तो लगा होगा ऐसा। कमियां तो कुछ नहीं है इसमें, S-Log 3 मिल जाता है 10 bit 422 के साथ और कस्टम लेट्स में इंपोर्ट जाती है। हाँ लेकिन कुछ तो कमी होगी इसमें। कमी तो यार ऐसी कोई लगी नहीं मुझे इसमें। हाँ लेकिन कभी कभी